सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्या हाल चाल है? तो जैसा देख सकते हो, हमारा मटका मानुस का हथौड़ा कहीं पे फंस चुका है, टकले का हथौड़ा फंस चुका है, निकलने के लिए परेशान हो रहा है बट निकल नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसे फंसा, ये मुझे भी नहीं पता है। आज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आज तो 8 तारीख है, कल 7 तारीख था। 7 तारीख में मैं कम से कम भाई इस वाली गेम को 12 से 14 घंटे के आसपास में खेला हूँ कंटिन्यूसली। सच्ची बता रहा हूँ मैं तुमको, जब से मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करा था कि मैं इस टकले के साथ डेट पे जा रहा हूँ, तब से मैं इसके पीछे में लगा हूँ भाई। परेशान हो गया मैं, एकदम हालत ख़राब हो रखी है मेरी। और तुम्हें बता दूँ गाइस, ये वाली जो वीडियो है ना, इस पर मैंने कोई लाइव रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि मैंने गेम प्ले करने के टाइम पर कोई भी कमेंट्री नहीं करा था। उस टाइम पर सिंपल से एकदम गेम प्ले कर रहा था, क्योंकि मुझे पूरा फोकस इस गेम को लगाना था, और जो कि हुआ भी। और मैं वीडियो जो बन चुकी है, जब एडिट हो रही थी, उसके ऊपर से मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ गाइस। तो मेरा जो जो एक्सपीरियंस था, मैं सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो फर्स्ट ट्राई था ना गाइस, तो फर्स्ट ट्राई सबका बेकार ही होता है। देख सकते हो नीचे गिर गए हैं, आज के टाइम पर ये गिर पड़े बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड ट्राई देख सकते हो गाइस, सेकेंड ट्राई पर हमने फिर से जंप लिया है, बट यहाँ पर हमारा जंप थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले पत्थर को हमने ग्रैब कर लिया। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे बैठ रहे हैं हम, और देखो आगे आगे क्या होता है, क्योंकि लाइव रिएक्शन मैंने कमेंट्री करा नहीं, तो मुझे खुद भी नहीं पता। बट जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको खुलकर बताऊंगा। और गाइस मैं तुम्हें एक बात बता दूँ यार, मोबाइल पर खेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंप्यूटर के मुकाबले। पीसी पे, माउस पे तुम आराम से रोटेट कर सकते हो, बट टच पे भी रोटेट कर सकते हो, बट टच स्क्रीन छोटा होता है गाइस, माउस पैड से तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये वाला जो पत्थर देख रहे हो, ये वाले पत्थर भी चिकनी है, अगर सही जगह पे हैमर नहीं बैठाया तब भी ये स्लिप करता है। और देख सकते हो गाइस, मैंने एक चीज़ बहुत बारी कोशिश करी है, मैंने उसका क्लिप नहीं लगाया, बहुत सारी रिकॉर्डिंग हुई बट मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये वाली जो क्लिप है ना, ये मोबाइल डिवाइसेस पे इम्पॉसिबल है गाइस, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा है फिलहाल किसी को करते हुए। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना गाइस टच का काम होता है, ठीक है। अब तुम्हारे टच स्क्रीन पे अगर हाथ वात में अगर थोड़ी बहुत पसीने वगैरह हैं, या टच स्क्रीन गंदी पड़ी है ना, तो सेंसिटिव टच काम नहीं करता है गाइस, मतलब समझ रहे हो। अब तुम सोचो कि एकदम गोल गोल रोटेट कर ले, एकदम आराम से धीरे धीरे से, तो वो नहीं होगा, टच पे नहीं होता है गाइस। हाँ, अगर तुम्हारे थंब पे, अगर पबजी खेलने वाली एक कॉटन की आती है, एक थंब की कैप आती है, वो रही तब तो हो जाएगा। अब वो मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, ठीक है, वो रहती तो शायद से कर भी लेता, बट यहाँ पे देख सकते हो वो था नहीं, तो ठुसकी जंप तो भाई नाकामयाब रही हमारी। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे एक निंजा बोनस भी है, तो इन्जॉय। आ गए हैं सारे नीचे एकदम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से थर्ड ट्राई करने जा रहे हैं, और थर्ड ट्राई पे देख सकते हो तो फिर से ऊपर वाले पत्थर को हमने ग्रैब कर लिया है यहाँ पे। और गाइस तुम्हें बता दूँ, अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी, तो गाइस मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और भाई हालत जो है मेरी एकदम ख़राब हुई पड़ी है, सच्ची बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा खेल लिया हूँ इस वाली गेम को, और समझ सकते हो यार, तुम अच्छे से समझ सकते हो। ओ देख सकते हो, फिर से चढ़ाई करने की कोशिश है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जो पत्थर जो है ना, ये धोखेबाज पत्थर है, देख सकते हो क्या किया है इसने। ओके, तो यहाँ पे एक और बोनस टिप है, जहाँ पे मैं मज़े लेता था, देख सकते हो उसके बीचों बीच गिर चुका हूँ, और क्या कह सकते हैं भाई। यहाँ पे फोर्थ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस हम लोग फिर से, और ओके भाई देख सकते हो, एकदम लकीली मैंने पत्थर को ग्रैब करा, एकदम लकीली, ठीक है, मैंने रोटेट करके भी नहीं ग्रैब कराया, लकीली मैंने ग्रैब कराया हड़बड़ी से एकदम। तो खैर वो तो हो गया हमारा यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है ना, काफ़ी हेडेक वाला पार्ट है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें। कभी भी आप लोग गेम प्ले वगैरह करो, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखो
कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होगा गाइस यहाँ पे, और एकदम लास्ट के जो आइस क्लिफ आती है ना उस पे। तो ये माइंड में बैठा लो कि यहाँ पे तुम्हारा समय जाना है, शायद से दिन जाएगा या सप्ताह भी जा सकता है। देख सकते हो फेल हो चुके हैं और फिफ्थ ट्राई करने जा रहे हैं गाइस यहाँ पर, और इस वाले ट्राई में तुम्हें देख सकते हो एकदम बेकार सा जंप लगा है। देख सकते हो मैंने, मेरा हथौड़ा भी खुल के नहीं आया। ओके, सिक्स ट्राई में भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं बार बार एक ही गलती क्यों कर रहा था। सेवन्थ ट्राई में देख सकते हो गाइस हथौड़ा तो खुला बट एंगल सही नहीं बैठा था। देन एट्थ ट्राई में भी वही सेम गलती होगी, एक ही गलती में दो दो तीन तीन बार दोहरा रहा था जिसका परिणाम देख सकते हो कहाँ आ पहुँचा। नाइन्थ ट्राई में भी सेम एंगल नहीं बैठी थी। यहाँ पे बोनस टू भी है, फिर से नीचे गिरा हूँ मैं। ओके, तो गाइस टेंथ ट्राई में देख सकते हो मैंने कुछ नया करने की कोशिश करा है। मैंने सोचा यहाँ पे लिफ्ट हो जाते हैं और अचानक से स्क्रोल करके ना स्क्रीन को ऊपर वाले पत्थर को ग्रैब कर लेंगे, ऐसा सोचा था मैंने, बट हुआ नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा विश्राम करना सही रहेगा, तो मैं चला गया गहराइयों में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 11th ट्राई मैंने एकदम प्यार से करने की कोशिश करी है, संतरे को एकदम प्यार से बाय बाय बोला है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से चढ़ाई करने की कोशिश करी है। और देख सकते हो भाई, मतलब गेम जो है ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, ख़ास करके ये वाला जो स्टेज है ना, ये लेवल 2 का स्टेज है, क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज हिल कहते हैं शायद से। तो ये जो स्टेज है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टेज है गाइस, बहुत सारे अलग अलग, सबसे पहले तो इस पत्थर में चढ़ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। मेरा एंगल सही नहीं था, मैं फिर से नीचे गिरा हूँ यहाँ पे। और देख सकते हो एक और निंजा बोनस है गाइस, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कुछ हसीन लम्हे। जब मैं इतना नीचे आ गया हूँ तो यार और भी नीचे चला जा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे नीचे आके भाई मेरा नज़र पड़ गया संतरे पे, तो मैंने सोचा जब आए हैं तो भाई इसके साथ कुछ क्रिकेट ही खेल लिया जाए, और तो कोई काम धंधा तो हो नहीं रहा है हमसे, तो सोचा कि यही कर लिया जाए, और क्या करें। ओके, तो 12th ट्राई में देख सकते हो गाइस 12th ट्राई में थोड़ा सा मैंने होल्ड करने की कोशिश करी है मोमेंट को यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एक ही जगह पे। और तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते हो गाइस, मैंने बहुत वीडियो कट कर करके दिखाया है, कितना बार मैं नीचे गिरा हूँ कितना बार मैं ऊपर चढ़ा हूँ वो नहीं दिखाया आपको गाइस। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ गाइस, बस जो जो मोमेंट जो स्पेशल था वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी और नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सोच सकते हो गाइस कितने बार मैं आया हूँ और गया हूँ यहाँ पे, जितने भी ट्राई करा है मैंने, सारे ट्राई को यहाँ पे तो कवर नहीं करा है मैंने, ऑलमोस्ट 50 रिकॉर्डिंग करी है, 50 से ऊपर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बट सब नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कोई मतलब भी नहीं बनता इतना, किसी के पास क्या टाइम है भाई कि देखता रहे। हाँ, बट मैं ये दिखाने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देख लो, अगर आप लोग कभी ये वाली गेम खेलो तो ऑरेंज हिल भाई तुम्हारा टाइम कंज्यूम करने वाला है, हो सकता है पूरा दिन करे या पूरा वीक कर ले, महीनों लग सकते हैं भाई, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि ये होना ही होना है। और देख सकते हो यहाँ पे पोगो करने की कोशिश करते हैं गाइस, और ये पोगो सक्सेसफुल भी हुआ, फाइनली सक्सेसफुल हुआ था ये पोगो बस, बट मुझे नहीं पता था, मुझे वहाँ से नहीं पता था कि वहाँ से लिफ्ट भी करना है। मैंने सोचा पोगो करके वहाँ पे ना हथौड़े को एकदम जैम कर देंगे, बट जैम हुआ नहीं, और समझ सकते हो और मोबाइल स्क्रीन पे टच है तो हल्का फुल्का हो ही जाता है। तो देख सकते हो बैक पुश मार दिया तो मैं नीचे गिर गया हूँ वापस से, तो मतलब क्या बोले यार, मतलब अजीब सा हो जाता है मोमेंट, मतलब इतने नज़दीक आके जो चाहते थे वो करके भी यार ना हो पाए। तो अब देख सकते हो मेरा फिर से ठुस की जंप लगेगा यहाँ पे। ओके, तो 13th ट्राई चल रहा है गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो फिर से लकीली मैंने इस पत्थर को ग्रैब करा है यहाँ पे, और मेरा दिमाग एकदम ख़राब हुआ पड़ा था उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा हड़बड़ हड़बड़ कर रहा था, फिर सोचा यार नहीं, यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो यार अब करते हैं जैसा करना चाहते हैं प्यार से ही आराम से। तो
फिर से वैसे ही करने की कोशिश करी है मैंने, धीरे धीरे क्लाइम करने की कोशिश करी है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखो, यहाँ पे ना गाइस मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो क्लिफ देख रहे हो ना, ये क्लिफ पॉसिबल नहीं है मोबाइल डिवाइस पे क्लाइम कर पाना। कितना भी आराम से करो, कुछ भी करो, जिन लोगों ने किया हैट्स ऑफ। और जितने भी मोबाइल डिवाइस पे जो स्पीड रन कर रहे हैं या ट्यूटोरियल डाल रहे हैं, वो लोग सब पोगो करके ही दिखाते हैं। तो मैंने सोच लिया गाइस कि ये पोगो से ही होगा मुझसे, बाकी अदरवाइज़ क्लिफ को क्लाइम नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्क्रीन का जो साइज़ है छोटा है और हाथ पे पसीने वगैरह रहते हैं, तो ढंग से टच होता नहीं है। ठीक है, बहुत ही स्मूथली उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, जो कि माउस में पॉसिबल है, या तो फिर आपके पास थंब कैप है तो पॉसिबल है। तो थंब कैप तो है नहीं मेरे पास, तो पोगो करना ही बेटर ऑप्शन रहा, बट पोगो भी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, देख सकते हो। अब यहाँ पे 14th ट्राई चल रहा है गाइस, आप 14th ट्राई में देख सकते हो छोटी मोटी गलतियाँ होते हुए नज़र आएंगी आपको। 15th ट्राई में भी वैसी ही गलती नज़र आएगी आपको, देखने को मिलेगा, और पता नहीं क्या ही था ये। फिर से 16th ट्राई चल रहा है, 16th ट्राई में हैमर खुल के लगा ही नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली 17th ट्राई चल रहा है गाइस, और ये शायद से मेरा लास्ट ट्राई होने वाला है, और यहाँ पे मैं एकदम कदम जो है ना फूंक फूंक कर रखने वाला हूँ। इस बार गलती एकदम से कम करने की कोशिश करूँगा, और मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर उल्टी सीधी अगर मुंह से निकल रही है तो यार माफ़ करना, क्योंकि रात के 4 बजने वाले, 3:59 AM हो रहे, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलने लगा है गाइस कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे हो सकता है। ठीक है, फिर से मैंने पोगो करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और देख सकते हो ये सेकंड सिग्नल मिला मुझे। फर्स्ट वाले पे तो वही चीज़ हुआ जो फर्स्ट वाले पे हुआ था, वही चीज़ सेकंड वाले पे भी हुआ। अभी भी फर्स्ट वाले पे भी हल्का सा पुश लग गया तो मैं नीचे गिर गया, फिर सेकंड पे अभी जो कर रहा हूँ फिर से मुझे हल्का सा पुश लग गया तो गिर गया, क्योंकि मुझे वहाँ से झटके से क्लाइम करके ऊपर जाना था। बट मैं सोचता था कि यार हथौड़ा अगर जम जाए वहाँ पे तो आराम से चढ़ लेंगे, बट हथौड़ा जम ही नहीं रहा वहाँ पे। जैसे मैं वहाँ पे हथौड़ा रख रहा हूँ तो वो बैक पुश मार के मुझे नीचे फेंक दे रहा है, तो मतलब कि मुझे क्लाइम करना पड़ेगा वहाँ से झटके से, जल्दी से। तो ये चीज़ माइंड में पहले से सेट करना होगा। और तुम्हें बता दूंगा, ये गेम खेलने से पहले ना कोई भी मूवमेंट करने से पहले माइंड माइंड में ग्राफ बनाना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे इस टाइप के जंप लेने हैं, या इस टाइप का मेरे को ऐसा, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि मुझे ऐसी जंप लेके ऐसे ऐसे करके जाना है, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो देख सकते हो, तो प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है जंप लगाने से पहले, और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है ढंग से। अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो नीचे गिरोगे, जैसा मेरा हो रहा है अभी फिलहाल। और एक टाइम पे अच्छा भी तभी लगता है कि भाई तुम ऑरेंज हेल पे बार बार गिर रहे हो, फिर ऑरेंज हेल पे ही चढ़ रहे हो, जब फिर वापस से जब नीचे गिर जाते हो ना भाई, एकदम मन नहीं करता दोबारा से फिर क्लाइम करके ऊपर आने का। और सबसे ज़्यादा तो गंदा मोमेंट है अगर तुम्हें कहीं निंजा बोनस मिल जाए, एकदम सबसे नीचे गिर जाओ, फर्स्ट स्टेज में आ जाओ, तब तो भाई गेम पता नहीं फ़ोन फेंक देने का मन करता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली खेला हूँ गाइस इस वाली गेम को, और देख सकते हो मैंने फिर से पोगो करने की कोशिश करी है, बट उसकी पोगो लगा है यहाँ पे, मैं फिर भी बचा हूँ यहाँ पे, फिर भी बचा हूँ। तुम्हें बता दूँ गाइस, अगर तुम लोग ये वाली गेम प्ले करते हो तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर रेज वगैरह नहीं होगी, देखो रेज वगैरह देखो दो तरीके से होती है, या तो तुम हाई ब्लड प्रेशर वाले हो, या तो फिर भाई तुम यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के तुम मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब उनके ही जैसा एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये मत करो गाइस, जो हो वैसा रहने की कोशिश करो। हाँ, थोड़ा पेशेंट लगेगा, यहाँ पे टाइम कंज्यूम करने वाला है गाइस, ये चीज़ माइंड में रख लो आपका, अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, मैं ये लोग को नहीं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने एक बार भी लेवल विनिंग करी है, या जो लोग इससे ऊपर गए हैं,
जो लोग भी इससे ऊपर गए हैं उन लोग आराम से कर लेंगे, जो लोग नहीं गए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ना भाई, तुम्हारा टाइम कटने वाला है यहाँ पे, अच्छा खासा टाइम लेने वाला है। एक दिन में कभी नहीं होने वाला तुमसे, एक दिन में कभी नहीं होने वाला तुमसे, चाहे कितना भी टिप्स एंड ट्रिक का ट्यूटोरियल देख लो, कुछ भी देख लो, नहीं होने वाला भाई। जिन टिप्स एंड ट्रिक के ट्यूटोरियल देख रहे हो वो लोग प्रो लोग हैं, प्रो की स्ट्रैटेजी उनकी जंप आप नहीं कर सकते हो, ये सच्चाई है। तो वही करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और देख सकते हो फिर से अनसक्सेसफुल हुआ हूँ। ये थर्ड ट्राई था मेरा पोगोवा जो कि मेरे को सक्सेसफुल हुआ, बट मैं लिफ्ट करना भूल गया। ये बार बार मेरे माइंड से ना इरेज्ड हो जा रहा है कि मुझे वहाँ से लिफ्ट करना है, मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजप्शन है यहाँ पर यार, मतलब दिमाग ख़राब होना है। और देख सकते हो ये बहुत पोगो जो है ना गाइस, पोगो करना बहुत ही रिस्की है, मैं बार बार से बच रहा हूँ, बट हमेशा कहते हैं ना हमेशा लक साथ नहीं देता है ना, तो देखना अभी क्या होगा यहाँ पर। ये एक तो रिस्क लेके मैं पोगो कर रहा हूँ, क्लाइंब करना पे ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, बट पोगो करने पे रिस्क होता है गाइस। कुछ भी करो यार तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं उसको पॉट जो है ना वो स्लिप करता ही है, कुछ भी कह लो पॉट भी स्लिप करता है। फिर से पोगो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हैमर यहाँ पे सही था नहीं एंगल से, तो पोगो सही से हो नहीं पाई और मैं नीचे गिर गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, और मुझे 2-3 बार सिग्नल मिल चुकी है, तो मैं ये पॉसिबल है कि मैं ये आराम से कर सकता हूँ गाइस। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इस वाले ऑरेंज हिल को कंप्लीट कर देंगे गाइस, आई प्रॉमिस कि मैं कर लूँ इस वाले को, और जो अगर कर लूँ तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, तभी वो वीडियो पब्लिश करूँगा मैं, क्योंकि प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बाय।